मोहनगढ़ तहसीलदार डॉक्टर अभिजीत सिंह का स्थानांतरण होने से आज तहसील के समस्त स्टाफ और ग्रामीणों ने उन्हें विदाई दी है। इस अवसर पर तहसीलदार सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मोहनगढ़ में मेरी पहली पोस्टिंग थी, यहाँ मुझे तहसील के स्टाफ के सहयोग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के लोगों का और स्टाफ का भरपूर सहयोग और स्नेह मिला, इसे मैं सारे जीवन नहीं भुला पाऊंगा। वहीं तहसील के कर्मचारियों ने कहा कि श्रीमान तहसीलदार महोदय के कार्यकाल में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार महोदय को ऐसी विषम परिस्थितियों में आगमन हुआ था जब सारे देश के साथ मोहनगढ़ तहसील में भी कोरोना महामारी का खौफ था, मगर मोहनगढ़ तहसीलदार श्री अभिजीत सिंह की कार्यकुशलता और कोरोना से मोहनगढ़ तहसील को बचाने की प्रबल इच्छा शक्ति से दिन रात एक कर दिया और तहसील के भी समस्त कार्य किए जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गेहूँ उपार्जन के समय भी काम कराया और उपार्जन में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। इनकी कार्यकुशलता से मोहनगढ़ तहसील में कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया। मोहनगढ़ से अब्दुल शुक्ला की रिपोर्ट। तो जीवन के किसी भी पहलू में जो भी चीज़ पहली बार होती है वो हमेशा यादगार रहती है। वैसे मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा मोहनगढ़ तहसील के प्रधान मुझे मिला था। आप लोग तहसील के संबंधित थे, जब मैं आया था तो मैं कुछ नहीं जानता था। फेडरल जब कोई पहली बार कोई काम करने जाता है, चाहे वो वाई सी का काम करे या किसी प्रभाव में, तो उसे कुछ नहीं पता रहता। प्रैक्टिकल चीज़ें बिल्कुल नहीं पता है कि वो आप लोगों के साथ रहकर मुझे सीखने लगा। सबसे पहले मार्गदर्शक के रूप में आरई साहब सभी अरे यहाँ पर और बिल्कुल फैक्ट है, वास्तविकता राजस्व कौन ने मुझे हर चीज़ बताई। पटवारियों के बारे में भी आप लोग जितने थे, ऑफिस स्टाफ के जितने लोग थे, नाजे बाबू थे, बाबू जितने लोग थे, तो आप लोगों के साथ ही रहकर मैं हर चीज़ सीखा हूँ। तो ये चीज़ आप ये मान के चलिए कि लाइफ बाउंडेड हो गई, आप लोग का रिश्ते लाइफ बाउंडेड हो गए, तो उन्हें हमेशा याद रहेगा। और रही बात गलती और क्षमा की जो आपने मुझसे कहा, तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ नहीं होती हैं, यदि कोई भी है तो उसके लिए क्षमा बाकी आप लोग नहीं होना है। ये तो हमारा प्रशासनिक कार्य होता है, तो सही और कोई गलत होता है। तो बस यही है कि अब सर आपके सामने सर यहाँ पर प्रभार लेंगे आगे समझने में तहसील को, और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप किस तरह से क्या कार्य करने हैं। आप वैसे ही सर से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे आगे और शुभकामनाओं के साथ आपको। करीब 15 वर्ष हो गए हैं, 15 वर्ष में नाव साहब भी आए, कई तहसीलदार भी आए, लेकिन हमारा मोहनगढ़ तहसीलवासियों का ऐसा सौभाग्य रहा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में डिप्टी कलेक्टर मोहनगढ़ तहसीलदार महोदय अभिजीत जी आए। ऐसी विषम परिस्थिति की जब साहब का आना हुआ कि उसी समय कोरोना जैसी भयंकर महामारी आई, और मैंने अपनी आंखों से देखा साहब की कार्यप्रणाली दिन और रात 24 घंटे काम किया और मोहनगढ़ तहसील को ऐसी विषम परिस्थिति में कोरोना से बचाया। बाहर से आने वाले मजदूर बहुत संख्या में मोहनगढ़ से जाते थे, उनकी व्यवस्था करवाना, उनकी जांच करवाना, उनको क्वारंटाइन करवाना और साथ में तहसील का कार्य देखना। मैंने देखा है स्वयं दिन और रात साहब की गाड़ी चल रही है, न खाने की इच्छा न पीने की इच्छा। लेकिन आज हम लोगों का सौभाग्य भी रहा और इसको मैं दुर्भाग्य भी कहूंगा कि कम समय साहब का हम लोगों को संरक्षण मिल पाया। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही साहब हमारे मोहनगढ़ तहसील में आए, और इस वजह से कहते हैं साहब तो बहुत बड़े पद पर हैं, शायद हम मोहनगढ़ में दोबारा नहीं आना होगा, लेकिन हम लोग ऐसी इच्छा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को ऐसे ही तहसीलदार महोदय साहब आगे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।